तो दोस्तों अगर आप कोई भी एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो उसमें एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जैसे अगर आपके मोबाइल में नेटवर्क पूरा फुल आ रहा है फिर भी अगर आप किसी बंदे को कॉल करते हैं या आपके पास कोई भी कॉल आता है तो आपने देखा होगा कि उस बंदे के पास सही से आपका वहाँ पर कॉल नहीं जाता है, आपकी वॉइस वहाँ पर कट कट के जाती है। ये प्रॉब्लम अगर आपको फेस करना पड़ रहा है और वो बंदा बोलता है कि आपके यहाँ पर कॉलिंग नहीं आ रही है, आपकी सही से ऑडियो नहीं आ रही है, तो इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इसमें आपको एक सेटिंग है उसको डिसेबल कर दीजिएगा तो ये जो आपको प्रॉब्लम मिल रही है वो प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। और उसके बाद दोस्तों आप किसी को कॉल कीजिएगा या कोई भी बंदा आपको कॉल करेगा तो आपको वहां पे सही से आपको कॉल सुनाई देगा और सही से उस बंदे के पास भी कॉल जाएगा। तो दोस्तों अगर आप कोई भी एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ कर रहे हैं और सभी डिवाइस में अगर कॉलिंग का प्रॉब्लम मिल रहा है, चाहे आपके पास सैमसंग का मोबाइल हो, रेडमी का मोबाइल हो, रियलमी का मोबाइल हो, कोई भी मोबाइल हो, और जिसमें अगर किसी को कॉल करते हैं या कॉल आता है उसमें ऑडियो कट का प्रॉब्लम देखने को मिलता है, ऑडियो सही से नहीं आता है, तो आप इजी तरीके से इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं ये मेरे पास रियलमी का मोबाइल है, तो चलिए मैं इसको यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। और ओपन करने के बाद दोस्तों अगर मैं किसी को यहाँ पे कॉल करता हूँ तो कॉल करने के दौरान होता है क्या कि यहाँ पे ऊपर में अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो नेटवर्क आपको फुल देखने को मिलेगा, फिर भी क्या होता है कि यहाँ पे किसी को भी कॉल करता हूँ या जो भी बंदा का यहाँ पे कॉल आता है उसका आवाज़ यहाँ पे कट कट के देखने को मिलता है। तो होता क्या है दोस्तों, ऊपर में अगर आप यहाँ पे देखिएगा जो कॉलिंग आपको बना हुआ नजर आ रहा है, इस कॉलिंग के ऊपर में एक आपको यहाँ पे वाईफाई देखने को मिलेगा। तो होता क्या है कि अगर ये इस पर इनेबल किया हुआ रहेगा देन क्या होता है कि आपको यहाँ पे कॉलिंग में प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको मोबाइल कॉलिंग को इनेबल कर देना है और ये वाईफाई वाले ऑप्शन को आपको यहाँ पे बंद कर देना है। तो इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, सेटिंग वाले ऑप्शन में चले जाना है और सेटिंग वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा मोबाइल नेटवर्क का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। मोबाइल नेटवर्क पर जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं ऊपर में सिम वन और सिम टू देखने को मिलेगा, आपको कोई जिसमें आपका यहाँ पे सिम लगा हुआ है उस पर आपको क्लिक कर देना है। और जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा वाईफाई कॉलिंग का, इस पर आपको टैप कर देना है। और जैसे आप यहाँ पे टैप कीजिएगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वाईफाई कॉलिंग इनेबल किया हुआ है। अब होता है क्या है कि जैसे किसी का कॉल आता है और अगर आप अपने घर में इधर उधर घूम रही या ऑफिस में घूम रहे हैं तो नेटवर्क अगर अप डाउन होता है देन आपको यहाँ पे कॉलिंग में प्रॉब्लम देखने को मिलती है, तो कॉलिंग में दोस्तों ऑडियो कटने लगता है। तो नीचे में आप देख सकते हैं एक ऑप्शन मिल जाएगा वाईफाई कॉलिंग प्रीफ्रेंस का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और जैसे आप यहां पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने बाद देखिए यहां पे आपका ऑप्शन इनेबल किया हुआ रहेगा वाईफाई कॉलिंग प्रीफेयर में। तो आपको सिंपली क्या करना है, मोबाइल कॉलिंग प्रीफेयर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट करने के बाद आपको यहां पे ओके पे क्लिक कर दें। और जैसे आप यहां पे ओके पे क्लिक कीजिएगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपको कॉलिंग वाला वाईफाई कॉलिंग वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा था वो ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप चाहे तो इसको यहाँ पर बंद भी कर सकते हैं, अगर आपको यहाँ पर बंद करना है तो बंद भी कर सकते हैं और इनेबल करके रखना है तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। सिर्फ आपको यहाँ पर मोबाइल कॉलिंग प्रीफ्रेंस वाले ऑप्शन को यहां पे इनेबल कर देना है, बस दोस्तों आपको ये काम कर लेना है। उसके बाद अगर आपके पास कोई भी कॉल आता है या किसी भी बंदे को आप यहां पे कॉल कीजिएगा तो आपका यहां पे कॉल कटआउट नहीं होगा, आपका कॉल का आवाज यहां पे क्लियर सुनाई देगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।